पाकिस्तानी हैं मेरे रब का ये एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अल शरीफ फाउंडेशन के बानी परवेज़ इकबाल अराइन साहब के पास। आमद रमज़ान है, उस हवाले से जो है इनसे व्यूज़ लेते हैं कि पब्लिक के लिए यानी गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए महंगाई है, क्या पैकेज लेके आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब अदनान मलिक, सोशल मीडिया न्यूज़ पाकिस्तान और आपकी तमाम टीम का कि आप लोगों ने हमें काबिल समझा, यहाँ इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए। सबसे पहले तो मैं आमद रमज़ान के हवाले से तमाम अहलियान मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मैसेज देता हूँ कि खुदा के वास्ते ये रहमतों का महीना है, इस महीने को अच्छे तरीके से बातों में गुजारें, उम्मत मुसलमान आलमी इस्लाम के लिए दुआ करें। और इसके साथ साथ अल शरीफ फाउंडेशन का पैकेज है, हर साल की तरह इस साल भी कराची में मुख्तलिफ जगह पर सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम है और जिसमें स्पेशली तौर पर कैदाबाद मंदिर पंप पर शाम अफ्तार के टाइम अफ्तार प्लस डिनर और इंडस मेहरान हाईवे कैटल कॉलोनी का एरियाज वहाँ अफ्तार प्लस डिनर लगाया जा रहा है। इसके अलावा दीगर मसाजिद मदारस और बहुत से हमारे पॉइंट हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आएँ हमारे साथ अफ्तार करें, हमारे साथ डिनर करें, हम आपको वेलकम कहते हैं। इस वक्त बानी अल शरीफ फाउंडेशन जो है सोशल मीडिया सार्फीन के लिए आगाह कर रहे थे कि इनके मुख्तलिफ पॉइंट हैं उस पर जो है दस्तरखान लगेंगे। शहरी का तो वहाँ पंजाब में है और कराची में जो है अफ्तार का है, खाने का है जिसमें मंजिल पम का है और भैंस कॉलोनी का है और इस तरह मुख्तलिफ मसाजिद और उसका है, तो इसी हवाले से जो है हम बोलना चाहते हैं कि तमाम मकातिब फ़िक्र पाकिस्तान के लोग हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो इसी तरह के पैकेज दिए जाएं ताकि मुस्तहिक लोग भी आसानी के साथ रमज़ान बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।